मेरी वैदेही कहाँ जा रही है? सुख सारिका जानकी जाये कनक पिंजरनी राखी पढ़ा व्याकुल कह कहाँ वैदे सोने धीरज परिहर के। सीता मैया ने उनको पाला था, बच्ची है ना, तोता मैना रो रहे हैं, मेरी वैदेही कहाँ जा रही है। महापुरुष कहते हैं मिथिला की गौशाले में गौ माताएं रोने लगी, महिषशाले में महिषियां रोने लगी, अश्व रोने लगे, सेवक सती सब रोने लगे। ऐसा माँ का मधुर स्वभाव है, सरल स्वभाव है। जिसको सबसे प्रेम मिलता है उसके जाने पर सब रोते हैं। मेरी माँ सबको ममता देती थी, इसलिए सबकी ममता जा रही है। मिथिला की दीवालें तक रो पड़ी। माताएं, सखियां, सहेलियां, वृद्ध माताएं जो आई थी माँ को समझाने के लिए, नारी धर्म उपदेश करने के लिए, वो माताएं समझाती हैं, बेटी हो ये हो संतत पियही पिया चेरो वही बात अशीष सासु ससुर गुरु सेवा करे हो पति रुख लखी आय सो अनुसरे। बेटी सदा अपने पति को प्रिय, आपका सिंदूर सर्वथा सर्वकाल सदा सदा के लिए अचल हो, ये हम सबका आशीर्वाद है। माता पिता श्रेष्ठ जन की सेवा करना, पति के रुख को समझकर ही व्यवहार करना, ये तीन शिक्षण है, मंत्र है। सेवा, शीलता, समर्पण, अनुकूलन, जीवन में अनुकूलता हो तो प्रियता प्राप्त होती है। अनुकूलता का अभ्यास हो, हम सबको अपने अनुकूल करने का यत्न न करें, हम भी किसी के अनुकूल हों। संतत पियही पियारी, निरंतर पति को प्रिय होना। चिरो वही बात अशीष वन में जाने पर गांव की बधूटियां बहुएं माताएं भी माँ से कहती हैं, पार्वती सम पति प्रिय हो दे बिन हम पड़ छाड़ब छोहु। ये बना के रखिएगा, प्रियता कैसी माँ भगवती पार्वती जी जैसी, बाबा सदैव साथ में रहते। कथा के
आनंद में रहते। कितनी अद्भुत बात माताएं कहती हैं, निरंतर प्रियता प्राप्त हो, श्रेष्ठ की सेवा करना, सेवा से प्रियता प्राप्त होती है। और भाव समझना, भाव रुख समझना, रुख को समझने के लिए मन में पढ़ना पड़ता, मन में प्रवेश करना पड़ता। दूर रहकर रुख नहीं समझा जा सकता है, उसके लिए गलना पड़ता है। आपने अपने सेवक से, पत्नी से, भाई से, बेटे से कोई बात कही, समझ गए ना? नहीं नहीं नहीं, वही समझेगा जो आपके मन को समझ रहा है। हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जब तक मन नहीं समझा जा सकता है, तब तक रुख नहीं समझा जा सकता। माताएं कितनी विज्ञान की बात कहती हैं। पति रुख लखी लख आय सो अनु, रुख को लख लेना, कहना ना पड़े, समझना, अर्थात लख लेना क्या चाहते हैं वो। तो वहां तो अर्पण होना होता है ना, अर्पण, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। माताओं ने जो कहना था कह दिया, और आपका मन कहीं सर्वस्व अर्पित तब होगा जब सब तरह से खींच कर आप एक स्थान पर उसको लगाएं। मन चतुर्दिक भ्रमेगा तो अर्पित नहीं होगा। कथा में भी बैठेंगे और घर में बात भी कर लेंगे टेलीफोन पर, असंभव। कथा में भी बैठेंगे, किसी को रास्ता भी बताएंगे, असंभव। मैं बारंबार ये बात कहता हूं, कथा कथा के लिए, केवल कथा के लिए 3 घंटा कोई काम नहीं करो। सुनो, देखो क्या निकल रहा है मोती, मन रम जाए हो। यह जन्म मन का है, यह जीवन मन का है। मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन न भये दस बीसा, एक रहयो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। मन हमारा यहाँ, मन पति प्रेम में, केवल पति में। माताओं ने ऐसा मंत्र बता दिया कि मेरी सीता मैया को कुछ और स्मरण रहा ही नहीं, रुख समझने में लग गए। पति रुख लगी आए सो, सबने अपना अपना सुनाया है। आइए आरण्य पंडित तारकेश्वर मिश्र राही जी की पंक्तियां, बेटी को उपदेश वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यह गीत बहुत लोकप्रिय है, सुनते हैं, बहुत प्यारा। माताएं कहती हैं बेटियों से, बेटी ससुरे में रही है तू जान बन, ओ बेटी ससुरे सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चार Thank you.
असुर के बाजे जब खरुआ पानी दीह धोवे पौवा ससुर के बाजे जब खरुआ पानी दीह धोवे पौवा रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के बेटी ससुरे में रही है तू चाल बन के जगत की बेटी सांझ का तनिको समय जो पैहा सांझ का छोटहर लड़िकन के पढ़ैया बिटिया सत्संग में मन लैहा बिटिया सत्संग में मन लैहा जो के हुए के आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में छिपैहा जो के हुए के आहट पैया मुखड़ा घूंघट में छिपैया रही है घर में हीरा मोती के दुकान बन के रही है घर में हीरा मोती के दुकान ससुरे में रही है तू मर्यादा कवि ने मर्यादा की माताओं के भाव के जो गई है इज्जत तो पगरी के जो गई है घर से बहरा कबो न जई है घर से बहरा तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई तो जनिहा जियत ना बमाई ऐसन जन करी है कि और हनयावे पान बन ऐसन जन करी हकी शिकायत और हनयावे पान बन के हो बेटी ससुरे में रही है तू चार बन के माँ अपने हृदय का अंतिम भाव अर्पित करती है सुनल जाई तोहर बड़ाई सुनल जाई तोहर बड़ाई हिया जाई तब पुलाई हिया जाई तब पुलाई ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अधार सबकी वोठे रही है गीता यो पुराण बन के सबकी वोठे रही के दुकान बन के ओ बेटी सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के बेटी ससुरे में रही तू चाल बन के बेटी
के ससुर में सभी माताएं सखियां अपने अपने प्रकार से बेटियों को विदा करती हैं। भैया कुशध्वज जी के साथ शिरध्वज महाराज जनक जी आए और सबको रोते देख महाराज स्वयं इतने करुणा में प्रवेश कर गए। प्रेम की पाहुनी श्री जानकी मैया को दौड़कर जनक जी ने हृदय से लगा लिया और आज पिता जनक बहुत रो रहे हैं। क्यों? बिटिया को विदा करना है, बड़ा कठिन अवसर होता है।